दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद प्रिंस में। आज आपके लिए आया हूं जैबरोनिक के होम थिएटर का रिव्यू। देख सकते हैं मेरे सामने जैबरोनिक का होम थिएटर होने वाला है, जिसका मॉडल नंबर है 9500 IUCF, और जो कि काफी अच्छा साउंड के अंदर आने वाला है आपका होम थिएटर। आज इसी के हम फीचर्स वगैरह के बारे में जानेंगे, क्या कैसे फीचर्स है, क्या आपको इसके साथ एक्सेसरीज मिल जाती है, किस तरीके से आपको ये ऑपरेट करना है, किस तरीके से आपको इसके अंदर तार वगैरह वायरिंग वगैरह करनी है, सब जानेंगे इसके अंदर इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके मेन पे फ्रंट से, तो देख सकते हैं फ्रंट में आपको इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है, जिसमें आपको टॉप में ही आपको इस तरीके से दोनों पेयर के अंदर आपको सबसे टॉप में स्पीकर्स का साइज मिल जाता है, जो कि 3 इंची के अंदर आने वाला है। और उसी के ऊपर आप देख सकते हैं जैबरोनिक का लोगो और जैबरोनिक की ब्रांडिंग की गई है। और बात करें उसी के नीचे, तो आप देख सकते हैं ये आपका ट्विटर का साइज दिया गया है, जिसे हम मिड बोलते हैं, ट्रैवल के लिए आपको दिया जाता है। हर होम थिएटर के अंदर वैसे नहीं आता है, लेकिन जैबरोनिक के इस मॉडल के अंदर दिया गया आपको। इसके अलावा उसी के नीचे बात करें तो ये देख सकते हैं आपको मेन दिया गया सिस्टम, जिसके अंदर सारा कुछ कंट्रोलिंग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये पेन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। उसी के नीचे आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे बेस आउटपुट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपका बेस बाहर आता है। अब बात करें सेकंड पेयर की, तो सेकंड पेयर में सेम ऑप्शन है, ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, और इसके नीचे आपको ये स्पीकर साइज मिल जाता है 3 इंची का, और इसी के नीचे आपको ये ट्रैवल के लिए साउंड मिल जाता है। और ये आपको जहाँ पे ये आपका देख सकते हैं सेकंड पेयर में आपका ये डिस्प्ले है, वहाँ पे ऑप्शन खाली मिलता है, क्योंकि इसकी आपका सिर्फ बेस कंटेनर दिया गया है उसके अंदर। और उसके बाद के नीचे से तो सेम आपको मेन की बात करें साइड से तो साइड में देख सकते हैं आपको मेन पेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोलर मिल जाता है, आपको प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं आप वॉल्यूम का। उसके नीचे आपको ये ट्रैवल का ऑप्शन मिल जाता है, उसके नीचे आपको बेस का ऑप्शन मिल जाता है, उसके नीचे आप देख सकते हैं दो माइक का वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ से माइक का वॉल्यूम और इको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इन दोनों माइक का भी। और इसके अलावा जो आपको दो वायरलेस माइक मिलते हैं उसका भी वॉल्यूम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये दो माइक जो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, यानी 4 माइक इसके अंदर आप एक साथ आप अटैच करके यूज़ कर पाएंगे। और ये देख सकते हैं बाकी नीचे आपको ये पूरा वुडन का मिलता है, और ये पूरा ही स्पेस खाली मिलता है। बात करें इसके पीछे से, तो पीछे से देख सकते हैं आप इस तरीके से आपका होने वाला है ये सेट। तो टॉप में आप देख सकते हैं ऊपर आपको ये मिल जाता है ऑक्स केबल के लिए, और इसी के साथ में ऑप्टिकल वायर मिल जाता है, और टीवी ARC, जो कि आजकल स्मार्ट टीवी के अंदर ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जिससे साउंड क्वालिटी काफ़ी एनहेंस होकर मिलती है। आप उसी के नीचे बात करें तो देख सकते हैं आपको ये FM एंटीना मिल जाता है, और उसके अलावा ऑडियो इनपुट मिल जाता है आपको यहाँ से, और ये राइट ऑडियो यानी जो दूसरा स्पीकर है सेकेंड पेयर होने वाला है उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कुछ लोग वो ब्रांडिंग वगैरह की गई है इसकी, इसका मॉडल वगैरह लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं AC वायर है, जहाँ से आपका 220 वोल्ट का इसको करंट जाता है। इसके बगल में ही आपको स्विच मिल जाता है पावर ऑन ऑफ के लिए। बाकी इसके नीचे आप देख सकते हैं ये नीट एंड क्लीन मिल जाता है आपको, और ये 1.5 मीटर की आपको वायर मिल जाती है, इसके अंदर 2-pin स्विच मिल जाता है, देख सकते हैं इस तरीके से स्विच मिलने वाला है। बात करें इसके साइड से, दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मिलने वाला है नीट एंड क्लीन ऊपर से नीचे तक, और बीच में आपको ये मिल जाता है बेस का, जिसमें 10 इंची का बूफर का साइज मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी इसके अंदर आपको मिलने वाला है 10 इंची के बूफर के साथ में। बात करें अब इसके सेकंड पेयर की, आप देख सकते हैं जो आपका दूसरा पेयर होने वाला है उसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका ऊपर से नीचे तक क्लीन मिलने वाला सिवाय इस बूफर के अलावा। ये बूफर आपको मिलता है 10 इंची का, इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। और बात करें इसके बैक साइड से, तो बैक साइड से भी देख सकते हैं इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन मिलने वाला है ऊपर से नीचे तक सिवाय वायर के। तो ये वायर जो आप देख सकते हैं ये मेन स्विच होने वाला है, जो आप दूसरे में आप कनेक्ट करेंगे और इसको पेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर कोई लॉक वॉक उस तरीके से नहीं दिया गया कि आपको तार छील के लगाना है, सिंपल बहुत अच्छा लॉक दिया गया है, जिससे आपका कभी वायर ख़राब भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं, काफ़ी अच्छा लॉक दिया गया ये, और नीचे तक क्लीन मिलता है। और बात करें इसके राइट हैंड से भी देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ये नीट एंड क्लीन मिलने वाला है आपको। और जो ये जो आपका जो बॉक्स होने वाला जो ये आपका बनावट है, तो प्योर वुडन के अंदर बना हुआ है, तो साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब मैं आपको इसके अंदर साउंड आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको साउंड मिलने वाला है इसके अंदर। वायर अटैच कर लेंगे, तो जैसे आप इसे वायर में अटैच कर लेंगे तो इस तरीके से आपको रखना है। क्या करना है, सबसे पहले रखने के लिए आपको जो बूफा का जो साइड होता है, दोनों तरफ जो बूफा होता है उसको दोनों को बाहर की साइड में रखना हमेशा, जिससे आपका साउंड क्वालिटी ना काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। देख सकते हैं मैंने आपको जैसे देख सकते हैं दोनों मैंने किस तरीके से रख रखा है,
उसके अलावा जो आपको देख सकते हैं, जो आपका सेकंड पेयर का वायर है वो इस तरीके से अटैच करना है, इसमें आपको ये इस तरीके से अटैच कर देना है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये पावर बटन मिलता है इस तरीके से, यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ से ये पावर बटन ऑन करते ही यहाँ पे आपकी लाइट डिस्प्ले के अंदर आ जाएगी देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये STD वाई जो लिखा है ऑप्शन है, इस तरीके से को आपको इसका प्रेस करना है, तब ये क्या होगा, ये आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही आपका क्या था, ऑक्स मोड पे आप हमेशा ये अवेलेबल रहता है। अब वो क्या करना है, इसके अंदर ये STDY जो आपका बटन, ये इनपुट का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपका यहाँ से मोड चेंज होगा। तो ये आपका ऐप, ये USB पे है, इसके अलावा ये BT के ऑप्शन पे है, तो यहाँ से आपका ये BT इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं आपको एक कनेक्ट करके इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसका साउंड होने वाला है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोन में ब्लूटूथ का ऑप्शन खोलना है, देख सकते हैं मैंने अपन ओपन कर रखा है, और यहाँ पे आपको मॉडल का नाम आएगा इस होम थिएटर का, ये देख सकते हैं, ये मॉडल का नाम जैब BT 995 RUCF। इस मॉडल को इस तरीके से आपको पेयर करना है, इस पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है, और ये पेयर हो चुका है मेरा। होने के बाद क्या करना, मैं साउंड सुना के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसका साउंड होने वाला है। इसका साउंड होने वाला था जो कि आपने सुन लिया। अगर आपको इसको रियल में फील करना है तो आप हमारे स्टोर पे आ सकते हैं, श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे यहाँ पे सुन सकते हैं। ये स्टोर आपको श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सेक्टर 20 रोहिणी के अंदर पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका गूगल मैप का लिंक भी दे दूंगा, आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सभी आइटम्स मिल जाएंगे, होम थिएटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, देख सकते हैं स्टोर हमारा। इस तरीके से आपको सारे आइटम मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ आपको फाइनेंस कराना है, ये होम थिएटर जो आप देख सकते हैं जिसकी मैंने आपको अभी रिव्यू करके दिखाया है, अगर आपको ये भी फाइनेंस कराना है तो आपको ये भी फाइनेंस करके मिल जाएगा। प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको, ये 13,000 रुपये और 14,000 के अंदर आपको ये होम थिएटर मिल जाएगा। इसके अंदर दो मॉडल्स आते हैं, एक आता है डिस्प्ले मॉडल में और एक आता है टच मॉडल में, तो दोनों आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बेस आपने सुन लिया, अगर बेस को इन्जॉय करना तो आप हेडफोन्स लगाइएगा, काफ़ी अच्छा आपको साउंड समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा साउंड समझ में आएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।